की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये तो सर सरप्राइज कांग्रेस की तरफ से है और सरप्राइज एनडीए की तरफ से भी है, जितनी उम्मीद करके बाजार चल रहा था उससे थोड़ी सी क्या 50-60 सीटें कम इस वक्त दिख रही हैं। हो सकता है कि शायद बढ़ जाए और हो ये भी सकता है कि शायद घट भी जाए। नीलेश भाई, आप ये उम्मीद करके चल रहे थे, आप इसके लिए क्या प्रिपेयर्ड थे सिर्फ 300 सीटों के लिए एनडीए को? इलेक्शन के ऊपर मन लगाना मुश्किल है। हमने देखा है 2004 और 2009 में मार्केट की अपेक्षा से विपरीत इलेक्शन नतीजे आए थे। 2014 और 2019 में मार्केट की अपेक्षा की अनुसार इलेक्शन रिजल्ट आए थे। मार्केट ने एग्जिट पोल के तहत एक अपेक्षा और बढ़ा ली थी, बट अगर उसके पहले की मार्केट देखे तो अपेक्षा यही थी कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, रिफॉर्म्स पुश करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे लेके जाने के लिए, एंड जब तक वहां पे डिलीवरी हो जाती है तब तक मेरे हिसाब से हमारे जो बाकी फंडामेंटल्स है वह मार्केट के लिए आज के बाद इम्पोर्टेंट रहेंगे। फोर्थ क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ हमारा अपेक्षा से अच्छा आया था, कॉर्पोरेट नतीजे मार्च 24 क्वार्टर के अपेक्षा के अनुसार आए हैं, ज्यादातर लोगों ने फोरकास्ट फ्यूचर का अच्छा ही किया है। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी तब तक मार्केट को सपोर्ट बना रहेगा। बस सवाल एक ये हो जाता है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी पीएसयूज के लिए, देश के लिए सरकार का फ्री हैंड, अगर बीजेपी स्टैंड अलोन अगर 272 सीटें अगर लेकर आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए 301 सीटें, अभी थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी। नीलेश जी, आपसे एक बार वैल्यूएशंस पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हाल फिलहाल के इंटरव्यूज जब मैं आपके देख रही थी तो आपका एक ही कंसर्न था, आपका कहना था कि वैल्यूएशंस इंडिया के बहुत कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। कल ही हमने रिकॉर्ड हाई लगाया दोनों ही इंडेक्स में, तो जिस तरीके की अगर हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको लग सकता है कि आने वाले समय में अगर आए तो ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका फोकस रहेगा, और साथ ही करंट वैल्यूएशंस को भी नज़र में रखते हुए एक बार टिप्पणी जरूर दीजिए। तो अगर हम मार्च 2020 से देखें तो तब वैल्यूएशन तकरीबन 10 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे थे, आज तकरीबन 20 टाइम के आसपास है। तो जो रिटर्न मिले मार्केट में उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट जरूर किया, बट वैल्यूएशंस भी ऑलमोस्ट लार्ज कैप में डबल हो गए, स्मॉल और मिड कैप में उससे भी ज्यादा हो गए। अब यहाँ से जो रिटर्न आएगा उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग कम है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज्यादा है, और इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। दूसरी चीज है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे FMCG हुआ, प्राइवेट बैंक्स हुए, IT हुए, केमिकल हुए, इन चारों सेक्टर में पिछले 2-2.5 साल में कोई खास रिटर्न नहीं बना है। हमारी उम्मीद है कि इस बार बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मास प्रोडक्शन मास कंजम्पशन आइटम्स में मिलेगा, और FMCG सेक्टर जो डी रेट हो चुका है वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग का मौका है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी डी रेटिंग हुई है, उनके नतीजे अच्छे ही आए हैं, मार्जिन भले थोड़ा कम होगा आने वाले समय में बट प्रॉफिट ग्रोथ बना रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी यहां से धीरे धीरे बॉटम आउट होके मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आईटी और केमिकल, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आज भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। केमिकल क्षेत्र में चाइना की कंपटीशन या डंपिंग की वजह से प्रॉफिट्स के ऊपर काफी झटका लगा है। आईटी क्षेत्र में नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और उस वजह से लोगों को एक अंदेशा है फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। अब अगर रिक्रूटमेंट होती है तो उम्मीद जगेगी कि ये लोग को वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ वापस धीरे धीरे आ जाएगा। तो आईटी और केमिकल क्षेत्र में जून महीने में मैनेजमेंट क्या कमेंटरी देते हैं,
किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होती है वह देख के निवेश का मौका मिल सकता है। नीलेश सर, कविता बोल रही हूँ, इतने व्यस्त दिन में आपने हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक अनिश्चितता तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से बाजार ने उम्मीदें यहाँ पर लगाई बैठी थी उससे बिल्कुल विपरीत फिलहाल हमें समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय में थोड़ा बहुत सुधार हो भी जाए, लेकिन NDA की सरकार आ रही है, BJP की अब तक कितनी सीटें आई हैं, ये कुछ बारीकी बातें हैं जो शायद हमें आने वाले कुछ घंटों में क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अब सवाल यहाँ पर ये कि अब 100 दिन का एजेंडा बनेगा, उसके बाद एक बजट आएगा, और उसके बाद हम सब तमाम टीवी चैनल जो है पंचवर्षीय योजना आपके निवेश के पोर्टफोलियो के तहत सबको बताना शुरू कर देंगे कौन कौन से सेक्टर आपको पिकअप कर लेने चाहिए, किस वैल्यूएशन में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। विदेशी संकेत जो ग्लोबल बाजारों को जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमीज को जा रहा है, FIIs को जा रहा है, इस तरह के नंबर्स को देखकर, इस तरह की समीकरण को देखते हुए आप कैसे इसको भाप पा रहे हैं? 400 पार के नारे लग रहे थे, बाद में 350 के पार के नारे लग रहे थे, लेकिन यहां पर NDA 310 भी अगर ले आए और उसमें भी BJP अपने आप कितना लेकर आएगी, टक्कर कांटे की टक्कर है कई जगहों पर। किस तरह की मैसेजिंग आप जाती हुई देख रहे हैं, जिस तरह की हमने रिकॉर्ड शॉट देखे थे FIIs के, और जिस तरह के उन्होंने अनिश्चितता और अपनी चाल बदलती हुई हमने देखी थी उनकी, क्या लग रहा है आपको, कैसे भाप पा रहे हैं आप इस तरह के राजनीतिक समीकरण को FIIs के नज़रिए से और बाकी हमारी पंचवर्षीय पोर्टफोलियो के नज़रिए से, जो कि मेरे ख्याल से आपने काफ़ी हद तक जवाब तो दे दिया अपने पहले दो जवाब में। अगर आप FPI को देखें तो इंडियन पोर्टफोलियो ने उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है और बाकी देश में उन्होंने जो निवेश किया है कुछ खास रिटर्न वहां पे नहीं बना है। चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये सब मार्केट में उन्हें 5-5, 10-10, 15-15 साल से कुछ खास पैसा नहीं बना है। तो जायज है कि उन्हें जब प्रॉफिट बुकिंग करना होगा भारतीय मार्केट में करेंगे जहां पे प्रॉफिट है, दूसरी मार्केट में तो प्रॉफिट ही नहीं था तो क्या बुक करेंगे। सेकंड चीज यह भी है कि अगर आप एक इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो चलाते हैं तो एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो में, भारत के परफॉर्मेंस की वजह से भारत का वेटेज उन पोर्टफोलियो में काफी हद तक बढ़ गया था। अब उनकी टोटल निवेश भारत की मार्केट में देखे तो 5 ट्रिलियन में तकरीबन 18-19% के आसपास है। एंड जो उन्होंने शॉर्ट किया है वो उनकी पोजीशंस के माइन्यूट डिजिट में भी नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि फॉरेनर्स ने कितना निवेश किया है रादर देन कितना शॉर्ट या हेज किया है। सेकंड चीज ये है कि आज उनके सामने एक दुविधा है, भारतीय मार्केट में निवेश करें जहां पे साल बर साल अच्छा रिटर्न बना है बट वैल्यूएशन गांव से महंगे है, या ऐसी मार्केट में निवेश करें जो सस्ती है। हम चाइना से 3 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, रशिया से 8 गुना वैल्यूएशन पे, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से दुगने से ज्यादा वैल्यूएशन पे। सो उनकी दुविधा है सस्ता खरीदे सुंदर खरीदे। जब उन्हें दिखेगा कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेज है जैसे पिछले साल देखी, उन्हें लगे कि हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आज भी दूसरे पीयर्स के सामने अच्छी तरीके से आ रही है और हमारा गवर्नेंस स्टैंडर्ड दूसरे पीयर्स से अच्छा रहेगा, तो जाहिर है कि वो लोग यहाँ पे आज नहीं तो कल निवेश करेंगे। ऊपर के वैल्यूएशन पे नहीं करे तो जब भी करेक्शन आएगा आज के जैसा तब लेने की कोशिश करेंगे। फंड हाउस का व्यू हम जानना चाहते हैं। अब आमतौर पे फंड हाउसेस ऑब्वियसली आप लोग कुछ कॉल ध्यान में रखकर लेते होंगे इस तरह के चुनाव नतीजों को लेकर, इतना बड़ा चुनाव है ये लोकतंत्र के लिहाज से। मुझे अब ये बताएं कि फंड हाउस के लिहाज से आपकी क्या कॉल्स रहने वाली है, कहाँ कहाँ किस किस थीम पर आप तवज्जो देने वाले हैं? बहुत ज़्यादा चर्निंग की तो नहीं, लेकिन क्या इकॉनमी फेसिंग स्टॉक्स और थीम्स पर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है? हम देख रहे हैं
एनएफओस की, थीम बेस्ड एनएफओस की लहर भी चल रही है और इसको अच्छा खासा रुझान भी निवेशकों के लिहाज से मिल रहा है। सब इसी एंटिसिपेशन में हो रहा है कि अब 5 साल हम और विकास आती हुई देखेंगे, रिफॉर्म्स की झड़ी आती हुई देखेंगे, जहां पर रुकावट नहीं होने वाली है लेकिन थोड़ी सी मायूसी हो सकती है अगर नंबर्स उस तरह से नहीं आते हैं। तो फंड हाउस के तहत आपका क्या व्यू रहेगा सर? कविता जी, एक हम इस वक्त क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं कंपेयर टू मोमेंटम। पिछले कुछ समय में देखा है कि कई ऐसे स्टॉक जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है या कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है, वहां पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। इन स्टॉक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट अब उम्मीद इतनी ज्यादा है कि शायद आने वाले समय में उस प्रकार का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम जो फोकस कर रहे हैं वो रीजनेबल वैल्यूड स्टॉक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कंपेयर टू एक्सपेंसिव स्टॉक, बिकॉज अगर ग्लोबल सिनेरियो में कुछ रुकावटें आती है, कुछ बदलता है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट डिलीवर करना हायर वैल्यूएशन या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन स्टॉक्स के लिए शायद मुश्किल रहेगा। तीसरा, हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी कंपनी में निवेश करें जहां पे बिजनेसेस रियल हो। पिछले कई महीनों में आपने देखा है सेबी ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के ऊपर ऑर्डर इश्यू किए हैं जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसके प्रमोटर की गवर्नेंस के ऊपर काफी डाउट था। तो हमारी कोशिश यही है कि अच्छी कंपनी में निवेश करें, क्वालिटी में निवेश करें ओवर मोमेंटम, और जिसकी प्राइस डिस्कवरी रियल है rather than low floating stock या controlled shareholding वजह से उसी में निवेश करें। नीरज भाई, एक छोटा सा सवाल मेरे को आपसे और भी लेना है, पहले मैं जरा वो भी ले लेता हूँ। इस बीच में आपको बता देता हूँ, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर जरा उनको भी दिखा दीजिए। अविनाश सर जुड़े, उनसे भी हम जरा करेंगे बातचीत। साथ ही ध्वनि पटेल हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ध्वनि, आपका शुक्रिया। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। नीलेश भाई से वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ। नीलेश भाई, एक चीज़ मेरे को बताइए, ये जो फंड मैनेजर है थोड़ी चर्निंग करेंगे क्या? ये चर्निंग में अब किस तरह का फ्लेवर आ सकता है? जैसे पहले बहुत हद तक डिफेंसिव थे, मतलब डिफेंस के शेयर्स थे, रेलवेज के थे, कुछ हद तक एग्रेसिव शेयर्स भी आए होंगे इस इलेक्शंस के बाद, इस मैंडेट के बाद। ठीक है, सरकार मान लो एनडीए की बन भी गई, मान लीजिए एक मिनट के लिए भी, तो क्या टेस्ट बदल जाएगा मार्केट का, फंड मैनेजर्स का, सिलेक्शन ऑफ अ स्टॉक्स को, सिलेक्शन ऑफ अ थीम को, सिलेक्शन ऑफ अ सेक्टर्स को लेकर? एज अ फंड मैनेजर हम आने वाली इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोसेस करते रहेंगे और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहेंगे। एक बात तय है कि प्राइस तो हर दिन मूव करता रहेगा, फंडामेंटल्स हर दिन मूव नहीं करते। प्राइस एक स्पीड बोट की तरह है, कभी भी यू टर्न मार ले। फंडामेंटल्स एक ऑयल टैंकर की तरह है, उसे समय लगेगा बदलने में। तो एज अ फंड मैनेजर हम अपनी आंख कान खुले रखते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है, जो डेटा आता है, उसे प्रोसेस करके अपना एक अनुमान लगाते हैं कि कंपनीज की फेयर वैल्यू कहाँ पे है और फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमारी साइज भी बड़ी हो गई है तो कई बार जो एक आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अल्टीमेटली जब आप चेंज करें तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट और इम्पैक्ट कॉस्ट दोनों को देखना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया, फंडामेंटल्स रोज नहीं बदलते, प्राइसेस रोज बदलती है। अब ठीक कह रहे, प्राइसेस